दूसरा इसमें आप देखेंगे कि जो अरावली का क्षेत्र है उसके लिए भी बीजेपी के घोषणा पत्र में विशेष बात यह है कि दक्षिण हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण घोषणा है, चाहे पर्यावरण की आप दृष्टि से देखें, चाहे पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से देखें, पर्यटन की दृष्टि से देखें, उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से। अगर उस प्रकार के पार्क बनते हैं तो पूरे एरिया को उस प्रकार से आपको डेवलप करना पड़ता है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी का है। उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस तो ये चल रही है कि भाई हम जातिगत जनगणना। सर अवधेश जी एक मिनट रुकिए, दोबारा से आता हूँ मैं आपके पास। ये इश्यूज़ डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म विज़न वाले होते हैं, लेकिन चुनाव में कुछ चीज़ें इंस्टेंटली वर्क करने लगती हैं, वो हमें समझना और पकड़ना चाहिए। हाँ। प्रदीप जी बीच में इशारा कर रहे थे, मैं कुछ रिस्पांस देना चाह रहे थे। प्रदीप जी बताइए। एमएसपी की बात कर रहा था मैं, चाहूंगा कि आपके सामने कितना बड़ा ये झूठ कांग्रेस पार्टी फैलाती है। ये कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे केवी थॉमस का पार्लियामेंट के अंदर बयान, और वो कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। 30 सालों तक इनने एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तक नहीं इंप्लीमेंट कर पाई, हमने 201 में से 200 सजेशन इंप्लीमेंट करे। तो मैं वापस इसीलिए बता रहा हूँ जी, ये झूठी पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। जैसे हिमाचल में झूठ बोला, जैसे कर्नाटक में झूठ बोला, और ये एमएसपी में झूठ बोल रहे हैं। जिनके मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी पॉसिबल नहीं, जाके मैनिफेस्टो में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए जनता जो है वो चुनावी जुमला देने का पार्ट आता है। तभी हिमाचल से कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक कहीं भी कांग्रेस की सरकार नीरज जी 2011 के बाद रिपीट नहीं हुई है, एक बार भी रिपीट नहीं, क्योंकि जनता एक बार कोई बेवकूफ बना देते हैं, दूसरी बार नहीं बना पाते। धींगरा जी इसका आप जवाब देंगे। देखिए, तीन काले कानून किसने बनाए थे? हमने बनाए थे क्या? जमीने लूटने के कानून थे, और किसके लिए बनाए थे? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बनाए थे कानून। फिर उसमें उसके बाद माफी मांग कर वापस क्यों ले लिए? कभी उनको आतंकवादी कह रहे थे, कभी आंदोलन जीवी कह रहे थे, कभी परिजीवी कह रहे थे। परिजीवी का मतलब देखिए क्या होता है, खून चूसने वाले कीड़े बोल रहे थे उनको, किसानों को। अभी कंगना रनौत ने क्या बोला किसानों के लिए? ये सारे मंत्री, सारे जो लोग हैं किसानों के अगेंस्ट सरकार रही, और किसानों के बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं यहाँ पे बैठ के। प्रदीप जी कौन सी बात कर रहे हैं? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अग्निवीर बनाने वाले कौन है? फौज की पक्की भर्ती होती थी, उसको अग्निवीर बना दिया। अब हरियाणा में कहते हैं हरियाणवियों के लिए हम जो है पक्की भर्ती दे देंगे, तो अग्निवीर क्यों बनाए गए थे भाई साहब? उन्हीं को ही क्यों ना पक्का भर्ती जो थी उनकी चलते रहने देते? आप लोग जानबूझ के जुमले छोड़ रहे हो और कह रहे हो कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर अगर बात करी जाए, 10 साल का हुड्डा साहब के कार्यकाल में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने मेट्रो के विस्तार किए, कितना बिजली का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 10 साल हरियाणा लूटा, 60,000 करोड़ कर्जा था, उसको 4.5 लाख करोड़ पे पहुंचाने का काम किया, लेकिन काम कोई किया नहीं, सारे पद खाली पड़े हैं। और अगर देखा जाए तो तीन काले कानून लेकर के आए थे, 7,500 किसान। अब ये वाला जो नया पॉइंट आपने डाला, इस पे जवाब लेते हैं प्रदीप से। बताइए प्रदीप, ये जो नया पॉइंट इन्होंने दिया, ये क्या है? नहीं पढ़ के नहीं आए, दिक्कत कांग्रेस की प्रवक्ताओं की थी, पढ़ के नहीं आते। मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा में हुड्डा जी के समय 6 थे, हमने बढ़ा के 15 करे। मेडिकल सीट जिनके समय 700 थी, हमने बढ़ा के 1000 कौन से 15 किए आपने मेडिकल कॉलेज? झूठ बोल रहे हो। एक मेडिकल कॉलेज नहीं लगा धींगरा जी, वो आपके बीच में नहीं बोलते। एक मेडिकल कॉलेज नहीं लगा, मुझे नाम बता दे। धींगरा जी बता दे कहाँ लगाया? धींगरा जी आपकी बारी आएगी तो आप काउंटर कर लीजिएगा, वो आपकी बारे में बोलते नहीं है, सुनते हैं। आप भी सुनो ना उनकी बात, बताइए नाम बताइए कौन सी जगह पे लगे। केवल धींगरा जी सर मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हमने नहीं, आप बातें पूछेगा ना अपनी बारी में, जब वो बोल लेंगे तभी तो आप पूछेंगे। आप पूछते रहेंगे तो वो बोलेंगे कब? अपनी बारी में। हम लोग आवाज एकदम ये नहीं करते कि बोलने नहीं दे किसी को, दोनों आप जब बोलते तो वो नहीं चुप रहते हैं, जब वो बोलेंगे। जी बताइए प्रदीप जी जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा ढींगरा जी, थोड़ा सा आप शायद से एक्सपीरियंस नहीं है करने में, ऐसे डिबेट नहीं होती है। अपने जाके अपने पार्टी की प्रवक्ताओं से सीखिए कैसे डिबेट की जाती है। भाजपा के उसमें मत बनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना है तो ऑफिशियली आ जाइए। बीजेपी के टाइम में मत बोलिए कि हर व्यक्ति के बीच में उचक के बोलेंगे। आपने मेडिकल कॉलेज में तो बताने दो बेटा, आप डिबेट में बता भी दूंगा 15 के नाम, रिलैक्स करो।
थे इनके समय में, हमारे बढ़ के 15 हुए, मेडिकल सीट्स इनके समय में 700 थी बढ़ के 2185 हुई, पीजी सीट्स इनके समय में 289 थी बढ़ के 1006 हुई, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इनके समय 43 थी बढ़ के 56 हुई, गवर्नमेंट कॉलेजेस इनके समय 105 थे बढ़ के 182 हुए, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल, संस्कृति स्कूल इनके समय में 13 थे, बता दो कॉलेजेस का नाम, सुनो कॉलेजेस का नाम सुनो, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल 2017, शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नलवार मेवा 2014, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस रोहतक पोस्ट 2014, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी 2020, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिंद 2021, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नन्नौल 2022, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा पोस्ट 2014 एक्सपेंशन, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस करके आया। दोनों लोग प्लीज दोनों लोग रुकिए, ये इनको ये पढ़ के नहीं आते, इनको ये नहीं पता मेडिकल कॉलेज भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा, मेडिकल कॉलेज के बात की नहीं, मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, इससे झूठ फैला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बता दो कहां है, क्या है मीना जी इनको डिबेट का क्या तरीका है, इनको डिबेट का झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, गवर्नमेंट डेटा क्या झूठ, कहां है कॉलेज बताइए ना, ये अनाउंस किए थे, ये कॉलेज कहां है मेरे को वो बताइए, अनाउंस करने से कॉलेज होता है, ये अनाउंसमेंट कॉलेज बताइए कहाँ है, रविंद जी के पास चलते हैं, रविंद जी मुझे एक सवाल के जवाब दीजिए आप, अरे केवल धिंगरा जी रुको यार, आप लोग ना आपस में वन ऑन वन कर करके ना एकदम दर्शकों को सुनने नहीं दे रहे, रविंद जी से समझते हैं, रविंद जी मुझे मेरा एकदम डिफरेंट सवाल है, फ्रीबीज को छोड़िए सही योजनाओं को, मुझे ये बताइए कि ये दोनों पार्टीज जो है इनकी रणनीति क्या है चुनाव की, जैसे वो आपके यहाँ मतलब बहुत डिटेल तो आप ही बता पाओगे कि तीन हिस्सों में बांट लीजिए अगर आप हरियाणा को, तो अलग अलग हिस्सों पे लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, दोनों पार्टी किस स्ट्रेटजी पर लड़ रही हैं, दोनों के अंदर मनमुटाव है, दोनों के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ लोग क्या ये भी सोच रहे हैं कि पोस्ट पोल गेम हो सकता है, जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो स्थिति है फिलहाल बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल है, लेकिन और भी खराब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी जो आज विपक्ष में बैठी है तो 10 साल तक बहुत बढ़िया विपक्ष के तौर पर कांग्रेस काम नहीं कर पाई, बल्कि आज भी एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में सिर उठाए है लेकिन कांग्रेस ने कभी वो रेज नहीं किया, 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, ना तो आज तक उस इस्तीफे की कॉपी हरियाणा की जनता को मिली है, ना हमको उसके बाद ये पता है कि आज हरियाणा में एक मुख्यमंत्री है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उसकी कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज कांग्रेस पार्टी रेज करने से कहीं ना कहीं बचती रही है, अब जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है उसके पीछे सिर्फ दो बड़े कारण हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी मिस गवर्नेंस, और दूसरा जो जेजेपी और INLD का जो वोट था उन पार्टी के स्प्लिट होने से वो वोट कुदरती तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला गया, ये दो बड़े इश्यूज हैं, और अगर आप तीन हिस्सों में हरियाणा को बांटेंगे तो देखिए अहिरवाल का जो इलाका है जिसमें आपका गुड़गांव से लेके और महेंद्रगढ़ तक का इलाका आता है, वहां पर बीजेपी पहले भी मजबूत थी, आज भी उसकी स्थिति मजबूत है, दूसरा जो इलाका है जिसको GT रोड बेल्ट बोला जाता है वहां पर बीजेपी पहले मजबूत थी लेकिन अब वहां पर संघर्ष है, फाइट है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का एपिसेंटर था, और कुरुक्षेत्र अंबाला का ये इलाका है, पानीपत तक ये जाता है, इसमें पूरे में बहुत ज्यादा असर रहा था किसानों के आंदोलन का, और दूसरा ये जो इलाका है ये इस इलाके में बहुत कम जातिवादी राजनीति चलती है, यहाँ पर जाट और गैर जाट की राजनीति का बड़ा कम असर है, अब जो बाकी का हरियाणा बच गया उसमें कांग्रेस पार्टी स्ट्रोंग है, कांग्रेस पार्टी को उसमें बहुत फायदा मिला है क्योंकि वहां पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था, वहां पर जो मुख्य मुकाबला था वो कांग्रेस और टाई करा दिया के बीच में था, और जेजेपी और INLD के टूटने से वहां पर जो है वो रविंदर जी जी अब टाई करा दिया आपने, बोला अहिरवाल वाले इलाके में BJP, जाटलैंड वाले इलाके में कांग्रेस और GT रोड वाले इलाके में 50-50, अब तो टाई हो गया, नहीं मैंने नहीं कराया, मैं बताता हूँ, अहिरवाल का इलाका केवल 12 विधानसभा सीटों का है और वहां पर बीजेपी मजबूत है, इसका मतलब सारी सीटें जीतेगी ऐसा नहीं है, बीजेपी मजबूत है लेकिन मेजोरिटी ऑफ सीट्स बीजेपी जीतेगी तो कुछ बीजेपी सीटें हारेगी भी, और अहिरवाल का इलाके के बाद अगर आप दूसरे इलाके में जाएंगे जहां पर आप चरखी दादरी से शुरू करके और सिरसा तक चले जाइए जिसमें दादरी भिवानी हिसार सिरसा जींद कैथल का इलाका है, उस इलाके में बीजेपी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और वो भी इलाका ऐसा है जहां पर जाट बाहुल्य है और किसानों का बड़ा आंदोलन वहां पर चला था, उसका बहुत असर वहां पर था, अब जो बीजेपी को जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा उम्मीद थी
वहां पर भी मैंने कहा कि किसानों का आंदोलन चला, और आज भी जो किसान बैठे हैं, जो शंभू बॉर्डर है वो इसी इलाके में पड़ती है, जो कि पटियाला और अंबाला का जो बॉर्डर है, आज भी किसान वहीं पर बैठे हैं 200 दिन से। तो वहां पर जो बीजेपी को बेनिफिट मिलना था, उस बेनिफिट में कहीं ना कहीं कमी आई है। और अंबाला का लोकसभा चुनाव भी, रविंद्र जी मैं आपको रोक रहा हूं जी, एक्चुअली हरियाणा में ना, अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद सवाल मेरे मन में ये, वहां पे जब मैंने कहा ना बाइपोलर, थोड़ा मुझे कम इसलिए समझ में आता है क्योंकि इसमें परिवार चुनाव लड़ रहे हैं ना, चौटाला परिवार है, हुड्डा परिवार है, जिंदल फैमिली भी चुनाव में है, और भाजपा कांग्रेस तो है ही है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे दल हैं। तो जो मैंने एक सवाल अभी रविंद्र जी आज पूछा कि पोस्ट पोल को भी ध्यान में रखते हुए कुछ स्ट्रेटजी बनी है क्या पार्टीज की, थोड़ा और एक्सप्लेन कराएंगे। छोटे छोटे ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, छोटे छोटे ब्रेक के बाद।